विश्वकर्मा महासभा की ओर से भव्य शोभा यात्रा व झांकी निकाली गई। कानपुर में सर्व विश्वकर्मा महासभा के तत्वाधान में विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। टी रोड स्थित विश्वकर्मा वाटिका में यात्रा का समापन हुआ। समापन के दौरान महासभा के अध्यक्ष अनिल कुमार शर्मा ने यात्रा में भगवान विश्वकर्मा जी की प्रतिमा के समक्ष आरती कर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद यात्रा में शामिल लोगों का स्वागत भी किया गया। मैं सर्व विश्वकर्मा महासभा कल्याणपुर का संयुक्त मंत्री हूं और ये सर्व विश्वकर्मा महासभा कई वर्षों से सामाजिक कार्यक्रम कर रही है, जिसमें हम लोग वैवाहिक सम्मेलनों में भी आयोजन करवाते हैं, गरीब बच्चियों का शादी विवाह का कार्यक्रम और जो भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ में ये सर्व विश्वकर्मा महासभा इस बार जो शोभा यात्रा निकल रही है, पिछले 4-5 वर्षों से कर रही है, ये 5वीं यात्रा है और ये मकसूदाबाद से लेके विश्वकर्मा वाटिका पी रोड तक आती है, जिसमें कई हजार लोग, लगभग 2-3-4 हजार लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो यहाँ पे आने के बाद यात्रा का विसर्जन होता है और यहाँ पे पूजन हवन और भंडारे का आयोजन होता है। पिछले 4 वर्षों से कम्प्लीट, ये 5वां वर्ष है, 5 वर्ष हो गए। मुख्य अतिथि के रूप में हमारी जो नगर महापौर हैं प्रमिला पांडे जी, उनको यहाँ पे आमंत्रित किया गया है और उनके द्वारा यहाँ पे भगवान का पूजन और हवन होगा। सभी को ये देंगे, भगवान विश्वकर्मा सभी सृष्टि रचयिता है और सभी जो भी चराचर इस टाइम चल रहा है वो सभी के स्वामी हैं, तो सभी लोगों पर भगवान विश्वकर्मा की कृपा बनी रहे, सभी के काम काज अच्छे से होते रहे और सभी के दुख और दरिद्रता दूर हो।